हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो बीएड काउंसलिंग की जो डेट है वो बताई गई है कि कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट लिस्ट भी जो है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि काउंसलिंग में एडमिशन में बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि काउंसलिंग जो बीएड का होता है काफ़ी बेहतरीन चीज़ होती है। इस काउंसलिंग में आप कोई गलती नहीं कर सकते हो। काउंसलिंग में आपको एक ही चांस मिलेगा, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। सारी चीज़ें एक बार में जो भी आपको फिल करना फिल कर दोगे। और भी बहुत सारी चीजें जो है फूंक फूंक पर हमको कदम रखना होता है काउंसलिंग में। तो इसीलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आप एक भी चीजें गलत नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आप वहां भी अगर कोई डाउट आपको है तो वहां पर भी आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो दोनों इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज को। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो लिखा है कि बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी। तो डेट सभी लोग जो है यहां पर याद रखिएगा कि 1 सितंबर से जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी के लिए इतना डेट आई है 1 सितंबर, ऑफिशियल साइट पर भी 1 सितंबर है। हां, ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस डेट को थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन आप सभी लोगों को 1 सितंबर तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लेने हैं, बनवा लेने हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये रही डॉक्यूमेंट्स की आपकी लिस्ट। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, इंटरमीडिएट की आपको चाहिए, स्नातक का अंक पत्र सर्टिफिकेट चाहिए, परास्नातक अगर है तो जरूरी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी। ये जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूं, इन सभी की आप लोगों को कम से कम तीन तीन प्रति निकलवा लेनी है फोटोकॉपी, तीन तीन फोटोकॉपी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म यानी जो आपने बीएड का आवेदन फॉर्म भरा था उसकी तीन फोटोकॉपी, प्रवेश पत्र यानी जो आप पेपर देने गए थे प्रवेश पत्र आपके उसकी तीन फोटोकॉपी, स्कोर कार्ड यानी जो रिजल्ट आपका निकल कर आया है उसकी तीन फोटोकॉपी, समस्त फीस रसीद। तो ये अभी फीस रसीद आपको नहीं निकलेगी, जब आप काउंसलिंग करवाओगे तब ये रसीद निकलेगी। इसमें से आपको मैं बता दूं, सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट को छोड़कर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन में लगेंगे, ना कि काउंसलिंग में लगेंगे, याद रखिएगा। तो ये फीस रसीद आपके काउंसलिंग के बाद फीस रसीद भी आपको मिल जाएगी, जो आप 5,750 रुपए कटवाएंगे प्लस जो 45,000 समथिंग या 46,000 समथिंग जो कटनी होगी वो कटेगी, तो वो सारी रसीद भी जमा होगी। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यानी जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज आपको मिलेगा वो लेटर आपको चाहिए। सीट कंफर्मेशन लेटर, ये दोनों जो है एक ही चीज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीट कंफर्मेशन या अलॉटमेंट लेटर दोनों एक चीज है। जाति प्रमाण पत्र जिनकी बनती है उनके लिए जरूरी है। माइग्रेशन, अगर आप दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, माइग्रेशन किसको बनेगा मैं बता दूं कि मान लीजिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो लेकिन आप बीएड जो है सीएसजेएमयू से करने जा रहे हो तो आपका लगेगा, यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ही चेंज हो गई है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद में टीसी की बात करते हैं, तो टीसी आपका तब लगेगा जब आपका विद्यालय चेंज हो गया हो। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एक कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और दूसरे कॉलेज से आप जो है करने जा रहे हो बीएड, तो टीसी लगेगी, ठीक है, याद रखिएगा। और फोटो इन्होंने लिखा है पासपोर्ट साइज की दो, तो फोटो आप कम से कम 5 रखिएगा अपने पास में, ताकि स्कॉलरशिप हो गया, एडमिशन सभी में लग जाएगा। और अगर आप अनुसूचित जात के छात्र हैं तो शपथ प्रमाण पत्र, अनुसूचित जात के अलावा किसी की भी शपथ प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है जरूरी है, और ये कैसी चीजें ये सब आप बनवा सकते हो, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। जात प्रमाण पत्र जिनका लगता है उनको सबको पता होगा, जात कहां से बनेगा, तहसील से बनेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर आके पूछ सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप नहीं अगर ज्वाइन किया तो आके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वाली जो मैं पूरी लिस्ट है ये लिस्ट मैं आपको वहीं पर सेंड कर देता हूँ, जाके वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।